17 भारत मैं हूं आपके साथ देवेश कुमार गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खास खबरों की। 112 पर फोन कर मांगी पानी पीने की गुहार, तत्काल पहुंचे कोतवाली प्रभारी मऊरानीपुर, पानी की बोतल के साथ दिया स्वल्पाहार। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जो शिव भक्त हैं वो दूर दराज से जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन पैदल ही मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में भूखे प्यासे ही अपनी यात्रा करते रहते हैं। जब भूख प्यास से व्याकुल होते हैं तो कुछ शिव भक्त कांवड़ियों द्वारा डायल 112 पर पीने के पानी की उपलब्धता कराए जाने की मांग की, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी मऊरानीपुर तुलसीराम पांडे ने तत्काल कांवड़ियों को पीने के पानी के साथ स्वल्पाहार भी उपलब्ध कराया। आपको बता दें झांसी के मऊरानीपुर में सैकड़ों कांवड़िया ओरछा धाम के लिए रवाना हुए, जहाँ से वह पैदल जल लेकर केदारेश्वर धाम पर प्रदोष के दिन जलाभिषेक करेंगे तथा कांवड़ियों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे रात्रि गश्त नेशनल हाईवे पर थे, तभी रात्रि में कुछ कांवड़ियों द्वारा 112 पर पीने के पानी की मदद मांगी गई, जहां मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने कोतवाली प्रभारी को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने पीने के पानी की बोतल उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वल्पाहार भी वितरित कराया। वहीं उनका हालचाल जाना कोतवाली प्रभारी के इस मानवीय चेहरे को देख कांवड़ियों ने उनकी प्रशंसा की, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी की नगर की आम जनता तक तारीफ करती नजर आई। अमित राजपूत की रिपोर्ट।